समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चांदनी अखिलेश यादव जी ने देश की प्रदेश की जो तमाम चुनौतियाँ और परेशानियाँ लोगों की हैं उसको लेकर पार्टी के हर जिले के मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और मुझे खुशी है कि बधाई की पार्टी ने मुझे आने का मौका दिया और मैं बधाई हूँ आज धरने में हूँ। और मुद्दे बहुत गंभीर हैं। बात 2017 में हुई थी किसानों का भुगतान करने की, 19 भी पार हो गई, लखनऊ की भी सरकार बन गई, दिल्ली में भी दोबारा बन गई, लेकिन किसान जहाँ थे वहीं हैं। आए दिन आप देख रहे हो किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार, उन्नाव की घटना हमारे सामने है, सोनभद्र की घटना हमारे सामने है, प्रदेश के हर इलाके के अंदर हत्याएं अत्याचार। हमारे बदायूं शहर की अगर बात करो तो दिन दहाड़े 20 शहर में 2 नौजवानों की हत्याएं हो जाती हैं और उसके बाद भी इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इस सरकार के कान पे जूं रेंगे, ये सरकार सुने जनता की, इसीलिए इस धरने का आयोजन किया गया है। सर जी, बड़ा मामला चल रहा है कुलदीप सेंगर जी वाला, CBI ने प्रथम दृष्टया कहा है कि हाँ कुलदीप सेंगर जी दोषी हैं, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है, जिस दिन से उस पीड़ित बेटी का आरोप आया था उस दिन से समाजवादी लोग लगातार आंदोलनरत इस मुद्दे पर और हम लोग लगातार कहते रहे कि ये दोषी हैं, लेकिन सरकार लगातार बचाती रही। ये तो मैं इस मौके पर धन्यवाद दूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने चीज़ों को सो मोटो लेके इतने सही फैसले किए हैं जिसकी वजह से शायद उस परिवार को न्याय मिल पा रहा है। अन्यथा ये सरकार चाहे दिल्ली की हो या लखनऊ की सरकार उस परिवार के साथ लगातार अन्याय कर रही थी, अत्याचार कर रही थी और हमने अपने जीवन में ऐसा अत्याचार सुना नहीं कि पहले रेप हुआ हो फिर पूरे परिवार को उड़ाया जा रहा हो नंबर वन। इस तरह की घटनाएं मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए कलंक। सांसद जी, बहुत बड़ी समस्या थी धारा 370, लेकिन धारा 370 हटने के बाद समाजवादी के चेहरे पर रौनक क्यों नहीं आ पाई? बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए, समाजवादी लोगों ने बहुत सारी बातें मानी, हमारे अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय जी ने पार्लियामेंट की अपनी स्पीच में बातें कही। समाजवादी पार्टी 370 का मसला नहीं है, 370 से साथ जो जुड़ी बाकी चीज़ें हैं उस पर समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष सदन के अंदर रखा है और मैं समझता हूँ उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। लखनऊ में लाठीचार्ज किया गया है, ये तो लगातार लाठीचार्ज कर रहे हैं। अभी मुरादाबाद में हम लोगों पे हुआ, उससे पहले इलाहाबाद में मेरे खुद सर फूटा है। ये लोग आप चाहे जितनी लाठी चला लें, समाजवादी साथी जनता के हितों के लिए, जनता की कल्याणकारी नीतियों के लिए और जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे, सड़कों पर, सदन में भी, संसद में भी, विधानसभाओं में भी और सड़कों पर। आजम खान पे लगातार सरकार जो है प्रभाव तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से आजम साहब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अभी रात ही एक और मुकदमा, अभी फिर एक मुकदमा हुआ, आज मैंने सुबह देखा अखबारों में, लगातार उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, जौहर अली यूनिवर्सिटी के साथ, रामपुर वासियों के साथ हो रहा है और समाजवादी लोग पूरी मजबूती के साथ आदरणीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़े हैं। चाहे ये जितना अत्याचार करें BJP के लोग, हम समाजवादी लोग घबराने वाले नहीं और शायद ये इसीलिए कर रहे हैं कि समाजवादी लोग कहीं कमज़ोर पड़ जाएं, टूट जाएं, लेकिन इन लोगों को समाजवादियों का इतिहास पढ़ना चाहिए। जब जब समाजवादियों के ऊपर अत्याचार हुआ है समाजवादी लोग और मजबूती के साथ उभर के आए हैं जनता के बीच। 370 तो हट गई है, अखिलेश यादव जी ने यही कहा है कि जो है जिस तरीके से पेश किया गया है उस पर सवाल करें, वैसे समाजवादी पार्टी क्या साथ में है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर प्रक्रिया के बारे में आप बेहतर जानते हो और पूरा देश जानता है कि प्रक्रिया तो गलत तरीके से लाई गई, वहाँ की असेंबली का सहमति थी नहीं, वो हम जानते हैं, आप जानते हैं। अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी मसला है, उस पर अभी सरकार खामोश है। माननीय अखिलेश जी ने तो पूछा है कि बताओ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे कश्मीर का हिस्सा है कि नहीं है, उस पर सरकार अभी तक नहीं बोल रही है। और हम तो चाहेंगे कि सरकार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर के साथ जोड़ के दिखाए। पाकिस्तान ने सारे रिश्ते हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिए हैं, चाहे वो अन्य समझौता एक्सप्रेस वे का रोका गया है, बिजनेस की सारी चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी, क्या कहना चाहेंगे? वो पाकिस्तान की सरकार जो चाहे सो करे, लेकिन इन चीज़ों से मैं तो नहीं समझता हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अगर इस तरह का कोई फैसला पाकिस्तान के लोग लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनके ही लोगों को परेशानी आएगी, उनके ही लोगों के जीवन में जो ज़रूरतें हिंदुस्तान से पूरी हो रही हूँ कहीं ना कहीं दिक्कत उनको आएगी, हिंदुस्तान को इन चीज़ों से दिक्कत आने वाली नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।